दिन पुराना। ये बयान बहुत दिलचस्प है और बिहार की परिस्थिति में इस बयान के बिना चर्चा अधूरी है, इसलिए मैं ये बयान सुना रहा हूं आपको, क्योंकि ये बयान आप ही के अध्यक्ष का है, नड्डा जी का बयान। मैं क्यों बयान दिखा रहा हूं, पहले बयान देखिए फिर बताता हूं मैं इस बयान को दिखाने के मायने क्या है। प्लीज प्ले करिए। और सब लोग बिट गए, समाप्त हो गए, और जब नहीं हुए वो हो जाएंगे, रहेगा तो फिर बीजेपी रहेगी। मुझसे कई बार लोग बोलते हैं कांग्रेस पार्टी फलानी पार्टी, मैं कोशिश कर ले जितना करना, हमारी 40 साल की तपस्या करेंगे तब बराबर खड़े होंगे। जेपी नड्डा जी कह रहे थे सब खत्म हो जाएंगे, रहेगी तो सिर्फ भाजपा, रहेगी तो सिर्फ भाजपा। मेरा सवाल यहीं से शुरू होता है, शिकारी यहां खुद शिकार हो गया। कभी सोचा था आपने भी कि आपके साथ भी ऐसा हो सकता है जो आप दूसरों के साथ करते थे? हम दूसरों के साथ तो कुछ नहीं करते, हाँ, लेकिन उन्होंने जनादेश का उल्लंघन किया है, जो जनादेश ने उनको आदेश दिया था, जनादेश का उल्लंघन किया, पार्टी के झंडे तहत उनको स्वीकारा, उन्होंने जनता को धोखा दिया। भारतीय जनता पार्टी तो सेकेंडरी होगी, लेकिन हाँ। जनता तो उन्हें सबसे पहले जनता को धोखा दे दिया। महाराष्ट्र में जनादेश का अपमान हुआ कि नहीं? कर्नाटक में हुआ कि नहीं? मध्य प्रदेश में हुआ कि नहीं? हुआ? उत्तराखंड में हुआ कि नहीं? गोवा में हुआ कि नहीं? क्या वहां जनादेश का सम्मान हुआ? सीमा जी, हम तो उस चीज को स्वीकारते हैं जो जनता कहती है। अगर हमें जनता ये कहेगी कि हाँ आपको यहाँ से इनको हटाना चाहिए, जबकि महाराष्ट्र में दिख रहा था कि लोग स्वीकार नहीं कर रहे थे। आप ये कह रहे हैं कि जनता आपको कहती है कि यहाँ सरकार गिरा दो? बिल्कुल, जनता का समझ में आ जाता है कि जनता नहीं चाह रही है। आपके यहाँ बड़े से बड़े चाणक्य हैं, जिन्हें कहा जाता है राजनीति के चाणक्य हैं। इन्हें मालूम होता है कि 2024 छोड़िए 25 में क्या होने वाला है, और यहां सरकार बनाई और नेक्स्ट टारगेट क्या है, होता है ना ऐसा? ये बात तो किसी से छिपी नहीं है। सीमा जी, आप लोग नीतीश कुमार को क्यों नहीं समझ पाए? वो कैसे गच्चा दे गया आपको? मैं एक उदाहरण देता हूं इसका। एक ऐसा नहीं है कि ये स्क्रिप्ट एकाएक रात को बैठी और सुबह फाइनल हो गई, ऐसा नहीं है। ये स्क्रिप्ट तो नीतीश कुमार बहुत पहले से लिख रहे थे, और तब वो एक्टिव ज्यादा हुए जब उनको ये डर सताया। उद्धव ठाकरे ने कोई सीख ली नहीं, मैं जानता महाराष्ट्र में जो कुछ हुआ, लेकिन नीतीश कुमार ने ये सीख ले ली कि कोई मेरे यहां शिंदे पैदा ना हो जाए, कोई मेरे यहां शिंदे ना पैदा हो जाए, इसलिए खेला होबे। उदाहरण देता हूं मैं आपको, तारीख थी 14 मार्च 2022, याद कीजिएगा सब। एक बयान प्ले करूंगा, और यह बयान संकेत था, नीतीश कुमार ने उस दिन बता दिया था कि वो खेला खेलने वाले हैं। कैसे जानते हैं? एक तरफ सीएम थे और दूसरी तरफ विधानसभा के भीतर स्पीकर थे। क्या हुआ था सदन में देखिए जरा, आप हमको जरा बताइए तो, आपको अधिकार है। हम चाहते हैं कि पूरे मामला को आप गंभीरता से अपना स्तर से देखवा ले। माननीय नहीं, आप सुन लीजिए, माननीय मंत्री जी आपको जवाब नहीं दे पाए सुर्खी जब्ती पर। ये ना आसन को हतोत्साहित डिमोरलाइज करने की सिर्फ बात नहीं हो। इसमें बराबर बोलिएगा, बात नहीं सुनिएगा तब हम कभी कुछ बोलेंगे। सदन के भीतर सीएम और स्पीकर आपस में भिड़ गए, तब भी आप लोग नहीं समझ पाए चल क्या रहा है? इतने नौसिखिए तो नहीं थे आप लोग राजनीति में? मुझे तो पूरी उम्मीद है कि नहीं। सीमा जी, गच्चा खा गए? शातिर नहीं है ना हम लोग? हो, शातिर नहीं है आप, एक बार फिर से रिपीट करिए। विश्वास करना भी जानते हैं और विश्वास करते भी हैं। शातिर नहीं है आप लोग, आप ये कह रहे हैं? पूरी श्रद्धा से करते हैं। अच्छा। किसी ने तोड़ दिया विश्वासघात कर दिया तो एक अलग बात। ओहो, जैसे आपने शिंदे साहब पर विश्वास किया। आपके जो विश्वसनीय सहयोगी दल थे वो एक एक करके आपको क्यों छोड़ जा रहे हैं? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या ये भी एक मास्टर स्ट्रोक है? नहीं, उसके जिम्मेदार वो स्वयं है। उसका कारण ये है, मैं वही आपको बता रही थी, उसका कारण यह है कि जिस तरह की राजनीति वो चलाते चले आ रहे थे, उस तरह की राजनीति अब नहीं चलेगी। अच्छा, उनको अच्छे से उनको समझ में आ गया कि वो वाली राजनीति नहीं चलेगी कि अपना अपना पेट भर लो। सीमा जी, शिवसेना गई, अकाली गई, जेडीयू भी गया, आपके साथी जो साथ थे वो आप पर विश्वासघात का आरोप लगाकर आपके ऊपर चले गए, क्या आप इनका अपमान नहीं कर रहे थे? आज सबको पता है, आज पूरा विश्व और पूरा हमारा देश चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी आए।
पूर्ण रूप से आए। अगला टारगेट झारखंड है, क्या सच है ये? ऐसा कुछ नहीं है, मैंने फिर वही कहा जो हमें जनता का जनादेश जो आदेश मिलता है हम उस पर पालन करते हैं। मिलाकर ये हुआ ना कि बीजेपी के साथ जाएं तो तुलसीराम, आरजेडी के साथ जाएं तो पलटू राम, आप यही समझा रही थी ना मुझे? मुख्यमंत्री बन गए थे भारतीय जनता पार्टी के झंडे तहत बने थे। अच्छा, लेकिन उन्होंने क्या किया, धोखा दे दिया। धोखा दे दिया अपने स्वार्थ के लिए, जिसका कारण मुझे जहां तक लगता है, उनका जहां तक मुझे कारण लगता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में कोई स्वार्थ से काम नहीं कर सकता। यहाँ पे तो राष्ट्र हित के लिए काम होता है, राष्ट्र हित के लिए काम करना है, समाज हित के लिए काम करना है, तो आप भारतीय जनता पार्टी में जुड़िए, वरना आपकी कोई जगह नहीं। अच्छा ना, जो आपके साथ है वो राष्ट्रभक्त है, जो आपके विरोधी है वो राष्ट्रद्रोही है। ये सच है कि अगर राष्ट्र हित में आपने काम करना है तो आप भारतीय जनता पार्टी में जुड़ेंगे, वरना आप जुड़ ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे खाने को कुछ है ही नहीं। एक लेकिन अब उनकी जो खोज ऊपर जा रही है, मुख्यमंत्री है, प्राण जाए पर वचन ना जाए, हमने अपने हमने वचन निभाया, उन्होंने अपना वचन नहीं निभाया। ओके, गुस्सा नहीं, आराम से। वक्त तो दोहरा चेहरा वही दिखाई दिया था राजनीति का, जब आपने पीडीपी के साथ समझौता किया था, जिसे आपने राष्ट्रद्रोही तक बोला कि नहीं, है ना? मुबारकबाद भी दीजिए सीमा जी को, जिस विकास के लिए, महाराष्ट्र के विकास के लिए सत्ता पलट गई, वो 40 दिनों तक बिना मंत्रिमंडल के चली, और आज सौभाग्य से उस मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया। सीमा जी, बहुत बहुत मुबारक हो आपको, 40 दिन के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, यह था विकास जिसके लिए सब कुछ किया आपने, और यह भी नहीं बताया कि भैया वो रिजॉर्ट का बिल किसने